दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो एक बहुत ही कामयाब इंसान बने। इसके लिए वो तरह तरह के जॉब करते हैं, लेकिन जो मजा खाकी वर्दी या भारत के लिए पहने जाने वाली वर्दी में है, वो कहीं और नहीं है। इसी में एक नौकरी जीएसटी इंस्पेक्टर का है, जो कि काफी दमदार नौकरी है। तो अगर आपका भी सपना एक जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको जीएसटी इंस्पेक्टर क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, कौन सा एग्जाम देना होगा, जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी कि आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो इसका 18% टैक्स आपको सरकार को देनी होती है। इसे हम जीएसटी कहते हैं, और जो टीम इस जीएसटी के लिए कार्य करती है, उसे जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं। वैसे तो और भी टीम इसके लिए कार्य करती है, पर जीएसटी इंस्पेक्टर का एक अलग ही रुतबा होता है। इनके वर्दी पर 3 स्टार होते हैं, और इनका मुख्य कार्य टैक्स से रिलेटेड होता है। तो अब आप जान गए कि जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, अगर आपको एक जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपको 12वीं क्लास पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से। 12वीं पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, क्योंकि दोस्तों, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्जाम के द्वारा ही जीएसटी इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होता है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल में 2 पेपर होते हैं, पहला होता है टियर 1, दूसरा होता है टियर 2। टियर 1 आपका क्वालिफाई करने के लिए होता है। इसका अंक आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है, लेकिन यह जरूरी होता है। ये 1 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल होता है, जो कि 50 अंक का होता है। उसके बाद आता है टियर 2। इसमें आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए काफी जरूरी है। इसमें आपका हर सवाल 3 नंबर का होता है, जिसमें 1 गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, मैथ से 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर और टाइपिंग पर भी काफी ध्यान देना होगा, ये अभी जरूरी हो गया है। टियर 2 एग्जाम आपको काफी ध्यान से देना होगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। दोस्तों, जो कैंडिडेट सीजीएल का टियर 1 और टियर 2 एग्जाम पास कर जाते हैं, उनका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स का हाइट एंड चेस्ट को नापा जाता है, और साइकिलिंग टेस्ट भी लिया जाता है। सबसे पहले हाइट को नापा जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो कैंडिडेट हाइट में पास हो जाते हैं, उनका चेस्ट नापा जाता है। मेल कैंडिडेट का चेस्ट का नॉर्मल साइज 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए, एंड फीमेल कैंडिडेट के चेस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद होता है साइकिलिंग एंड वॉकिंग टेस्ट। मेल कैंडिडेट को 8 किलोमीटर साइकिलिंग 30 मिनट में करनी होती है एंड 1600 मीटर वॉकिंग 15 मिनट में पूरी करनी होती है, एंड महिला कैंडिडेट को 3 किलोमीटर साइकिलिंग 25 मिनट में करनी होती है। जो कैंडिडेट इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको चश्मा लगा हो या ना लगा हो, बस आपको क्लियर दिखना चाहिए, और आपका ब्लड टेस्ट भी लिया जाता है। दोस्तों, जो कैंडिडेट सीजीएल का एग्जाम, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, इन सभी एग्जाम्स को पास कर जाते हैं, उनका सिलेक्शन जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कर लिया जाता है। सिलेक्शन से पहले जीएसटी इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग होता है। जीएसटी इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग
कुल 14 सप्ताह का होता है, जिसमें 12 सप्ताह आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आपको जो ड्यूटी करनी है उसका एक्ट और थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद 2 सप्ताह आपको हथियार के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां आपको तरह तरह के हथियार को दिखाया जाता है और उसका प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। एंड ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आप एक प्रॉपर GST इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं GST इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, GST इंस्पेक्टर की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। एक GST इंस्पेक्टर की बेसिक सैलरी 44,900 होता है, लेकिन सारा सुविधा मिलाकर एक GST इंस्पेक्टर की सैलरी 70,000 से शुरू होती है। वैसे तो सैलरी आपके सिटी और स्टेट पर निर्भर करता है, पर मान के चलिए कि आपको 70,000 से 80,000 सैलरी मिलेगी। एंड दोस्तों, एक बात और, GST इंस्पेक्टर बनने के लिए आपका उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है एंड OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि GST इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।